नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको बोगीबील ब्रिज के बारे में बताएंगे। भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना एक पुल है। इस पर रेल पथ तथा सड़क पथ दोनों बने हुए हैं। यह पुल असम के धेमाजी जिला और डिब्रूगढ़ जिले को जोड़ता है। इस पर सन 2002 में कार्य प्रारंभ हुआ था। यह 4.94 किलोमीटर लंबा है और भारत का सबसे लंबा रेल सहज सड़क सेतु है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा सेतु है। बोगीबील एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा डबल डेकर रेल और रोड ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस पुल का इंतजार असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को कई सालों से था। बोगीबील ब्रिज भारतीय सेना के लिए खासा अहम रखता है। करीब 4.94 किलोमीटर लंबा रेल और रोड ब्रिज अरुणाचल सीमा से सटे होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी खासा अहम है। यह पुल देश के पूर्वोत्तर इलाकों की जीवन रेखा होगा। बोगीबील पुल असम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षिण तट के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा। अब हम आपको इसकी 10 खास बातें बताएंगे। नंबर 1, बोगीबील पुल भूकंप प्रभावित क्षेत्र में है। इस पुल को भूकंपरोधी बनाया गया है जो 7 तीव्रता से ज़्यादा के भूकंप में भी धराशायी नहीं होगा। नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी पर डबल डेकर रेल और रोड ब्रिज की सहायता से असम और अरुणाचल राज्यों के बीच लोग आसानी से आ जा सकेंगे। नंबर 3, उत्तर पूर्वी सीमा पर तैनात सेना को भी आसानी से रसद आदि पहुंचाया जा सकेगी, यानी रक्षा मोर्चे पर भी यह पुल अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। नंबर 4, भारतीय रेलवे के इस बेहद चुनौतीपूर्ण काम को सफलता के साथ किया गया है। अंजाम इसके नीचे के डेक पर 2 रेल लाइन है और ऊपर के डेक पर 3 लेन की सड़क है। नंबर 5, पुल को बनाने में 30 लाख सीमेंट की बोरियों का इस्तेमाल किया गया है। इतनी सीमेंट से 41 ओलंपिक स्विमिंग पूल बनाए जा सकते हैं। नंबर 6, बोगीबील ब्रिज से पहली गाड़ी तिनसुकिया नाहरलगुन इंटरसिटी एक्सप्रेस गुजरी। नंबर 7, बताया जाता है कि परियोजना में देरी के कारण बोगीबील पुल की लागत 85% बढ़ गई। नंबर 8, इससे असम के धीमाजी लखीमपुर के अलावा अरुणाचल के लोगों को भी फायदा होगा। नंबर 9, बोगीबील पुल चीन के लिहाज से भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। सेना को इस पुल से ज़रूरत पड़ने पर खासी मदद मिलेगी। नंबर 10, इस ब्रिज को बनाने में इंजीनियरों को कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा था। बारिश से इसके काम में कई बाधाएं आई थी। तो दोस्तों, आज हमने आपको बोगीबील पुल के बारे में बताया। नमस्कार दोस्तों।